तो दोस्तों फाइनली जानने की बारी है कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि हिडन कैटेगरी में चली आती है, क्योंकि ये सभी सीरीज रिलीज तो की गई है अगस्त 2024 में, लेकिन हो सकता है कि इन सभी सीरीज को आपने पूरी तरह से मिस कर दिया हो और इन सभी सीरीज की स्टोरी भी आपको वन ऑफ द बेस्ट लगने वाली होगी। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिडन हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 7 पर है क्राइम एंड कन्फेशन सीजन 3। दोस्तों इस सीरीज में कुछ भी नहीं है भकलोली और हॉट सीन के अलावा। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक मर्डर केस से और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सीरीज की प्रेजेंटेशन आपको उतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आने वाली होगी, लेकिन इस सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.5, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं ALT बालाजी पर। नंबर 6 पर है मॉडर्न मास्टर SS राजामौली। दोस्तों ये सीरीज नहीं बल्कि एक सीरीज डॉक्यूमेंट्री है। इस सीरीज में आप जान पाएंगे कि SS राजामौली अपने मूवीज को किस तरह डायरेक्ट करते हैं और किस तरह सुपरहिट बनाते हैं और उनके काम करने का तरीका कैसा है और उनके साथ जो भी एक्टर्स काम कर रहे होते हैं वो कितनी सारी मुश्किलों से गुजरते हैं सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए और उन्हें एक अच्छा सा टेक देने के लिए, और ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि इस सीरीज में आप बहुत सारे SS राजामौली के हिडन सीक्रेट्स को जानने वाले हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3, इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 5 पर है परिणीति। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में एक डार्क रोमांस स्टोरी है। कहानी की शुरुआत होती है परिणीति से जिसका एक नहीं बल्कि बहुत सारे अफेयर्स रहते हैं, लेकिन इन अफेयर्स के रहने के बावजूद भी उसकी लाइफ कैसी होती है ये जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। सीरीज दोस्तों फिलहाल सिर्फ बंगाली में ही रिलीज की गई है, इसकी फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग नहीं की गई है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं होचे ओरिजिनल पर। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। नंबर 4 पर है द फ्लाइट अटेंडेंट। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी फ्लाइट अटेंडेंट से जो कि सुबह उठते ही एक लाश को देखती है जो कि उसके बेड में ही पाई जाती है, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सीरीज में आप अच्छी खासी मिस्ट्री और अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करने वाले होंगे, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने वाली सकती है जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.5, इसे हंगामा ओरिजिनल पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है माय परफेक्ट हस्बैंड। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि कॉमेडी फैमिली ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैमिली से जिसके बड़े बेटी की शादी तय होनी रहती है, लेकिन अचानक से ही लड़के के पिता को यह ख्याल आता है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉमिस किया है कि वो अपने बड़े बेटी की शादी अपने गर्लफ्रेंड की बड़ी बेटी के साथ देगा, और अपने इस मकसद को वो किस तरह पूरा करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप हल्की की कॉमेडी एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.7, इसे डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है नाम नमक निशान। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि डिफेंस एकेडमी के रूल्स के बारे में जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में डिफेंस के कंप्लीट रूल्स को दिखाती है, यानी कि आर्मी स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वो जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज में आप अच्छी खासी एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2, इसे Amazon मिनी टीवी पर रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है मनोरथ रंगल। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, लेकिन ये सीरीज उनके लिए नहीं बनी है जो कि स्लो सीरीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसके टोटल 9 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आप नए नए कैरेक्टर और नई नई कहानियां एंजॉय करने वाले होंगे, और हर एक कहानी बड़े ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बनाई गई है। एटलीस्ट इस सीरीज की एक भी कहानी आपको किसी भी जगह पर पकाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी स्लो जरूर लगने वाली होगी। सीरीज बहुत ही ज्यादा क्लीन बनाई गई है, इसीलिए इस सीरीज को चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.4, इसे Z5 पर रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।